बड़े दिनों बाद मैंने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा है। खुश हो? आज यूनिवर्सिटी में भी दिन अच्छा गुजरा, रिलैक्स भी हूँ, तो बस इसीलिए खुश हूँ। मुस्कुराती भी बहुत प्यारी लगती है मेरी जान। आपको तो मैं हर हाल में ही अच्छी लगती हूँ। वो आगा जान, मैं सोच रही थी कि मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दूँ। इंटर्नशिप की क्या जरूरत है? क्यों नहीं आगा जान, इंटर्नशिप के बगैर मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। अपने ऑफिस में इंटर्नशिप कर लो। आगा जान, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे पता है ऑफिस में क्या होगा, हर कोई मैम मैम करके मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, पानी तक मैं खुद नहीं पी पाऊंगी। आगा जान प्लीज ना, मैं काम सीखना चाहती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। ओके ओके कर लो, मैं हारा तुम जीती। कहाँ करना चाहती हो इंटर्नशिप? वैसे तो बहुत सारी जगह अप्लाई करने का इरादा, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक ही ऑयल रिफाइनरी में अप्लाई करूँ। अमानुल्लाह की कंपनी? आगा जान, मेरी क्लास के जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो सब वहीं अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वहीं पे इंटर्नशिप करें। अब समझ में आया, इसीलिए मेरी नूरे जान भी वहीं अप्लाई कर रही है। आप दुआ करें मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाए। मुझे पता है वहाँ पे इंटर्नशिप मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सोर्सेज लगवा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वहाँ पे मेरिट पर मिल जाती है इंटर्नशिप। खैर, मैं तो हमारे यूएस ट्रिप का प्लान कर रहा था, अब तुम्हारी खाला भी बुला रही है, सोचा कि तुम भी साथ चलो, मजे करेंगे वहाँ। आगा जान, मुझे लगता है यूएस से ज़्यादा इस वक्त मेरी इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है ना, सो यूएस बाद में, पहले इंटर्नशिप। अब तुम्हारे आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जो तुम्हें अच्छा लगे। आज मैंने पहली बार नूर को इतने अरसे बाद बड़ा खुश देखा। इससे पहले वो कभी भी अपने ख्वाब के असर से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकली। उसे हफ्तों महीनों लग जाते थे नॉर्मल होने में, इस दफा तो वो चंद हफ्तों में अपने ख्वाब के असर से निकल आई।